हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लेट्स टॉक engineers.com। आज की इस वीडियो में मैं आपको NFC के बारे में बताऊंगा कि NFC क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, फ़ोन में ये कहां पर होती है तो मैं आपको बता देता हूं। ये एक फ़ोन का फीचर है, एक फ़ोन की टेक्नोलॉजी है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहां पर आप देख रहे हैं। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकती हैं कि NFC की ऑप्शन है। मैं एक मिनट मैं इसे NFC को ऑफ़ कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने NFC को ऑफ़ कर दिया। जब मैं इसे एक बार प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं कि NFC कार्ड मोड लिखा आ रहा है आपके पास। और एक बार जब मैं इसके ऊपर फिर से क्लिक करूँगा तो आपके पास RWP2P NFC लिखा हुआ आ रहा है। इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आपके पास ये ऑप्शन है तो आपको इस ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपके पास 3G फ़ोन है, अगर आप ऐसा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसमें NFC की ऑप्शन हो, तो आपको उसके बारे में पहले से ही पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपको इसके बेनिफिट्स पता चल गए तो आप कहेंगे NFC की ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे आप देख रहे होंगे इस तरीके से रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने पॉइंट की ओर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम NFC के बारे में जानते हैं कि NFC क्या है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। NFC का मीन्स नियर फील्ड कम्युनिकेशन है। फ्रेंड, इसके 4-5 बेनिफिट हैं। मैं आपको वही सारी बेनिफिट्स बताऊंगा कि कौन कौन से इसके बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बेनिफिट की ओर चलते हैं कि फर्स्ट बेनिफिट इसका क्या है। फर्स्ट बेनिफिट NFC का क्या है कि जब आप NFC के साथ आप डाटा को शेयर कर सकते हैं, कि जैसे आपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई भी डाटा को सेंड करना है, तो आप बहुत जल्दी मिनटों सेकंडों में ही उस डाटे को सेंड कर सकते हैं। जैसे कि कोई 50 MB की फाइल है, कोई 1 GB की फाइल है, कि आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कितना टाइम कम लेगी ये टेक्नोलॉजी और दूसरे फ़ोन में चली जाएगी। तो आपको क्या फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी में, इस NFC में आपको क्या करना है, कोई आपको पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि दोनों फ़ोन, जैसे कि ये डिवाइस है और ये डिवाइस है, आपको दोनों डिवाइसेस आपस में नज़दीक लेके आनी है। आप टच भी कर सकती हैं, आप नियर अबाउट लेके आएंगे तो क्या होगा कि आप दोनों ऑप्शन, दोनों मोबाइल में आपने जैसे NFC की ऑप्शन को ऑन कर लिया है, तो ऑन कर लिया है तो जैसे कि हमने इस डिवाइस से कोई भी डाटा को सेंड करना है तो इस डिवाइस में ओके करेंगे तो इस डिवाइस में मिनटों सेकंडों में वो डाटा आ जाएगा। आपको कोई पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरे मोबाइल में चला जाएगा। जैसे फ्रेंड्स आपको पता ही है कि जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई डायरेक्ट हो गया, उसमें हमें शेयरिंग करनी पड़ती है, तो आपको पेयरिंग करनी पड़ती है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ये था इसका फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको इसके दूसरे बेनिफिट के बारे में बताता हूँ कि ये पेमेंट भी कर देता है। कि अगर आपके पास कोई डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आपको उसका यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप कहीं मॉल में जाते हैं जैसे, तो आप क्रेडिट कार्ड से जैसे पेमेंट करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो जो टर्मिनल होता है जिसके ऊपर हमने अपने कार्ड को स्वाइप करना होता है, आपको कार्ड को स्वाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे कि आपने अपने फ़ोन में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जैसे कि डिटेल्स फिल की हुई हैं, तो आपने क्या करना है कि उस टर्मिनल के साथ जिसके ऊपर आप कार्ड को स्वाइप करते हैं, उस टर्मिनल के ऊपर आपने अपने फ़ोन को टच कर देना है। जब आप उस फ़ोन में अपने टर्मिनल के साथ फ़ोन को टच करेंगे तो आपको सिलेक्ट करना है कि आप किसके साथ पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के साथ, क्रेडिट कार्ड के साथ, तो आप उसके साथ कर सकते हैं पेमेंट। आपको कार्ड की स्वाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा तरीका है कि आप बिना कार्ड के पेमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको तीसरा बेनिफिट बताता हूँ कि तीसरा बेनिफिट इसका क्या है। तो फ्रेंड, जैसे कि हमें पता ही है कि मार्केट में ब्लूटूथ से रिलेटेड हेडफोन्स आते हैं जो वायरलेस होते हैं, तो वो क्या है कि उनके साथ भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे कि ये सपोज करते हैं कि ब्लूटूथ का हेडफोन है, तो अगर इसके साथ हमने अपनी डिवाइस को कनेक्ट करना है तो आपको कोई पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके साथ को आपको सिर्फ टच करना है फ़ोन को। जब आप टच करेंगे तो ब्लूटूथ हेडफोन की डिटेल्स अभी आपके यहाँ पर आ जाएंगी, मोबाइल में आ जाएंगी, तो आप फुल सेटिंग कर सकते हैं। आपको पेयरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी डिवाइस के साथ टच होना चाहते हैं तो NFC के थ्रू आप टच कर सकते हैं। जैसे कि बहुत अच्छी ऑप्शन है ये NFC की। मैं अब आपको फोर्थ टेक्नोलॉजी बताता हूँ कि इसकी फोर्थ फीचर है, जो बेनिफिट है वो क्या है।
फोर्थ इसका फंक्शन है एनएफसी कार्ड्स। तो फ्रेंड्स आप क्या है कि एनएफसी कार्ड्स होते हैं, जैसे कि सपोज हमने घर पर कोई भी एनएफसी कार्ड को लगा लिया, तो अगर आपके घर पर वाईफाई लगा हुआ है तो अगर आपके घर पर कोई रिश्तेदार आता है, कोई फ्रेंड्स आते हैं आपके घर पर, तो उनको आपके वाईफाई का पासवर्ड पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको वाईफाई का पासवर्ड बताने की ज़रूरत। वो क्या करेंगे, अगर आपने कार्ड कहीं पर लटका दिया तो वो अपना फ़ोन उस कार्ड के साथ लगाएंगे, जैसे कि ये कार्ड लगा हुआ है तो अपना फ़ोन वो उसके साथ कार्ड के साथ लगाएंगे। तो जब उसके साथ लगाएंगे कार्ड के साथ, तो क्या होगा कि उनकी डिवाइस ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी, आपको कोई पासवर्ड भरने की ज़रूरत नहीं है, फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसके साथ टैग के साथ उसे टच करना है फ़ोन को। तो जब आप फ़ोन को टच करेंगे तो आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। एक इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और एक जो लास्ट बेनिफिट है, फिफ्थ बेनिफिट एनएफसी कार्ड्स है फ्रेंड्स। अगर आपने देखा ही होगा कि जैसे विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, तो विजिटिंग कार्ड के ऊपर आपने एक साइड पर देखा होगा ब्लैक वाइट से कुछ डॉट्स वगैरह होते हैं, तो अगर उन डॉट्स के साथ आपको स्क्रीन के एक साइड पर दिख रहा है कि वो डॉट्स कौन से होते हैं, तो वो विजिटिंग कार्ड के साथ अगर आप अपने मोबाइल को टच करते हैं, उन कोड्स के साथ टच करते हैं, तो क्या है कि आपकी वो विजिटिंग कार्ड की सभी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में आ जाएगी। तो आप वहाँ पर अगर कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं अपनी सोशल साइट्स, जैसे कि फेसबुक की साइट है, कोई आपकी वेबसाइट कोई भी है, तो आप अगर वहाँ पर इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इंक्लूड कर सकते हैं बहुत इजीली से। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। ये सभी काम मैं आपको बता देता हूँ कि ये सभी काम एक एंटीने की वजह से होते हैं फ्रेंड। जब हम एक दूसरे फ़ोन को जैसे कि नज़दीक लेके आते हैं, कि दोनों एंटीने जब एक दूसरे के टच में आ जाते हैं, तो क्या है कि वो डाटा ट्रांसफ़र कर देते हैं, और टर्मिनल के साथ जब अटैच हो जाता है तो एंटीने जब मिल जाते हैं आपस में, उनका कनेक्शन बन जाता है, तो वो सब कुछ हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स। अगर आपको एनएफसी के बारे में नहीं पता है तो आप एनएफसी को यूज़ कर सकते हैं। आप को इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि ये ऑप्शन मोबाइल में है। अगर मेरे फ्रेंड्स को, मेरे फॉलोअर्स को नहीं पता है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि आप इन ऑप्शन को यूज़ करके अपनी लाइफ को और भी अच्छा बना सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई आपका कोई सजेशन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई किसी से रिलेटेड आप कोई वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसके रिलेटेड में वीडियो तैयार कर दूंगा और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।